हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस त्योहार को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठकर नहा धोकर पूजा पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही भजन कीर्तन किया जाता है, शिव पार्वती जी की कथा सुनी जाती है। हरतालिका तीज की पूजा विधि विधान सहित करने के लिए सबसे पहले मिट्टी से श्री गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की मिट्टी की प्रतिमा बनाएं और तिलक करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेल पत्ते और शमी पत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद हरतालिका तीज के व्रत की कथा सुनें या पढ़ें। इसके बाद भगवान गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती जी की आरती उतारें। आरती के बाद तीनों को भोग लगाएं। हरतालिका तीज पर खीर पूरी का भोग लगाया जाता है।